नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए आज से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरी चालू करने जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग बढ़िया से ध्यान देना है और बढ़िया से याद करते हुए जाना है। कुछ बच्चे एग्जाम के लिए भी तैयार होंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर है उनको ज्यादा फायदा करेगा। तो सबसे पहले हम जो है यूनिट चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है केमिकल इनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्जी में, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री माने केमिकल, ध्यान में रखना है। कहता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्सन ऑफ, है ना, इंटर कन्वर्सन ऑफ केमिकल इनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। इंटर कन्वर्सन होता है किसका, केमिकल इनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल इनर्जी को। यह स्पष्ट हो गया। तो केमिकल इनर्जी को जब आप इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। अब यहाँ पर यह सबस्टांस आती है। तो सबस्टांस क्या होता है, तो सबस्टांस जो होते दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर और दूसरा नॉन कंडक्टर। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सबस्टांस, देयर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं, और सेकंड होता है कंडक्टर। तो हम पहले बात करेंगे नॉन कंडक्टर का। कहता है कि दो सबस्टांस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है उसे हम लोग नॉन कंडक्टर कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, प्योर वाटर, आइस, ये सब हमारा क्या है, नॉन कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसको नोट्स कर दो। अब आपका सेकंड आता है कि कंडक्टर। तो कंडक्टर मान लेते हैं यह आयरन का रड है, आयरन के रड में या कॉपर के रड में या सिल्वर की रड में करंट फ्लो कर जाती है। तो कहता है कि दो सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास इज कॉल्ड कंडक्टर। जैसे मेटल हो जाएंगे, इक्वल सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस और साल्ट हो जाएंगे, अरे फ्यूज साल्ट और इम्प्योर वाटर, यह हमारे कंडक्टर। तो कंडक्टर में याद रखना है कि करंट क्या हो जाता है, पास करता है, और नॉन कंडक्टर में करंट पास नहीं करता है। तो कंडक्टर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, कहता है कि कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट अंडरगो एनी केमिकल चेंज आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर। तो कहता है कि वैसे कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है यानी कि वाइब्रेशन होता है, देखे नहीं है बस खाली बता रहे हैं, यह जो होता है कंपन करेगा इस तरह आगे की ओर कंडक्ट कर जाएगा, तो वह हमारा वाइब्रेशन के द्वारा बिना केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल चेंज नहीं होगा। तो वैसे कंडक्टर को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे। जैसे मेटल में सभी आ जाएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, यह सब मेटल है। साथ में नॉन मेटल, नॉन मेटल में याद रखना ग्रेफाइट जो हमारा पेंसिल में पाई जाती है, उसको एक किनारा छीलते हैं और दूसरा किनारा भी छील के टेस्टर लगाएंगे बोर्ड में डाल के, तो इसमें करंट फ्लो करता है। तो जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, डायमंड और ग्रेफाइट या कार्बन का दो एलोट्रॉप्स है जिसमें ग्रेफाइट जो हो जाता है कंडक्ट कर जाता है, मेटेलिक कंडक्टर के अंतर्गत आती है। जबकि अनेक अलॉय हो गए और मिनरल्स हो गए, बहुत सारे मिश्र धातु, ब्रास, बोरन, सिल्वर, बोरन, यह सब जो होते हैं ये सब अलॉय है। और मिनरल्स तो जानते करते हो सब लोग, जो जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं उसे ओर बनाते रहता है और ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यह हमारा कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के दो प्रकार, मेटेलिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। तो यह मेटेलिक का स्पष्ट हो गया, इसको नोट्स करो। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर तो हो गया, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कहता है कि दो सबस्टांस हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट
एंड विच आर डिकम्पोज बाई पासिंग करेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कहता है कि वैसे पदार्थ यानी कि वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, साथ में विच आर डिकम्पोज वह आयनों में टूट जाती है। तो क्या टूटेगा? जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करेंट पास करेंगे तब वह आयनों में टूट जाएगा, तब उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स के दो प्रकार हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट। जब हम लोग एक बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4 और दो इलेक्ट्रोड लेते हैं आप और इसमें करंट फ्लो करा दोगे, तब यह जो होगा आयनों में टूट जाता है। मान लिया कैथोड है और यह एनोड है आपका, तो एनोड पर जो होगा आपका टूटेगा, आयनों में टूट जाएगा। तो यह मान लो यह रहेगा, फिर से साल्ट में कॉपर सल्फेट भी लेंगे, जब तोड़ेंगे तो Cu पर 2+ और SO4 पर 2-। यह आयनों में कॉपर जो हो गया मेटल हो गया और मेटल कैथोड पर जाकर एकत्रित होता है और सल्फेट जो होगा एनोड पर जाकर करंट पास करने पर जुटेगा। अब यहाँ देख लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहता है कि वुज एक्वस सोल्यूशन और कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन। कहता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जिसका एक्वस सोल्यूशन हो जाए कम्प्लीटली आयोनाइज यानी कि डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। यहाँ पर एसिड है तो HCl को जब तोड़ोगे तो H पर प्लस और Cl पर माइनस हो जाएगा। इसी तरह बेस लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम पर प्लस OH पर माइनस और यह सब हो गया, यह साल्ट हो गया सोडियम प्लस Cl माइनस, ये आयनों में टूट जाएगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा किसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट? कहता कि दोज इलेक्ट्रोलाइट हुज इक्वल सोल्यूशन डज नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज यानी कि पार्शियली आयोनाइज इन इक्वल सोल्यूशन, जिसका जलीय विलयन में आंशिक रूप से डिकम्पोज होगा, उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि एसिड, तो वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पर हमने एक ऑक्जेलिक एसिड दिखाया। ऑर्गेनिक बेस, बेस कब होगा? जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, या नाइट्रोजन जो होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑर्गेनिक बेस हो गया और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहते हैं। इसके बाद वीक साल्ट हो गया मर्क्यूरी क्लोराइड, लेड एसिटेट, ETC। इस तरह आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सबस्टांस को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक नॉन कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, फिर कंडक्टर को दो भागों में तोड़ा, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को दो भागों में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। यह पूरा कम्प्लीट हो जाना चाहिए कल तक और अगले दिन आप लोगों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर एनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।